चैप्टर 13 में अब हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। दो तरह के पिगमेंट होते हैं, होता है मेजर पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर का भी काम करता है, और बाकी सभी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पर। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो बना होता है बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का, और साथ ही साथ उसके साथ प्रोटीन्स भी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं पीएस। पीएस को हम पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। हर एक पीएस के पास पिगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर कोर कॉम्प्लेक्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स आते हैं। कोर कॉम्प्लेक्स के पास रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए और बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम क्या करता है, या फिर हम कह सकते हैं फोटो सिस्टम का मेन काम होता है जो सोलर रेडिएशंस हैं वहां से मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करना एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और उसे पास करना टू द रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए को। अब जो पिगमेंट्स होते हैं, जितने भी पिगमेंट्स हमने पढ़े थे, वो ऑर्गेनाइज होते हैं दो अलग अलग फोटो सिस्टम्स में। तो बाय जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है हम कह सकते हैं उसके अंदर दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम वन में हम देखेंगे कि इसकी एब्जॉर्प्शन पीक होती है एट 700 नैनोमीटर, फोटो सिस्टम सेकेंड की 680 नैनोमीटर। दोनों ही हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है उसके थायलोकॉइड मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होते हैं। साइट का फर्क होता है, ये नॉन एप्रेस्ड साइट पे होते हैं, ये एप्रेस्ड साइट पे होते हैं। फोटो सिस्टम वन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड सिर्फ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम वन को इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड, जबकि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर ब्रेक के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो वन वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फोर मॉलिक्यूल्स अगर हमें हाइड्रोजन के चाहिए तो उसके लिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होना जरूरी है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ जुड़ा होता है, और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट कहां पर होता है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, जो थायलाकोइड मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड पर ये प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और दूसरे होते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बुक में दे रखा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में ही कि किस तरीके से होता है। एक बात याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, तो इसके अंदर फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम सेकेंड ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और जंप होंगे, जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। तो इसके बारे में हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, इसके लिए हम डायग्राम देखेंगे 13.5। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम वन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उसके अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन, तो जितने भी पिगमेंट्स हैं लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उसे रिएक्शन सेंटर को पास करेंगे। जैसे ही लाइट रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप करने लगते हैं। जंप कर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए, क्विनॉन वहां पर जाते हैं। क्विनॉन फिर उसे ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम, प्लास्टोक्विनॉन और प्लास्टोसाइनिन। क्विनॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर होते हैं और उसके अंदर ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है। अगर हम सीरीज देखें तो पहले प्लास्टोक्विनॉन प्रेजेंट होता है, सेकेंड नंबर पर साइटोक्रोम और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और चीज, जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं क्विनॉन से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनॉन पर, तो उस वक्त क्विनॉन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जो प्लास्टोक्विनॉन है वो
रिड्यूस्ड हो जाएगा। सेम जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम पे जाएगा, प्लास्टोक्विनोन विल ऑक्सीडाइज और साइटोक्रोम रिड्यूस हो जाएगा, तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक रिडॉक्स पोटेंशियल भी मेंटेन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब ये क्या करेगा, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अपने इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगा। इसी के साथ साथ जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम वन का, वो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब जो उसके एसेसरी पिगमेंट है लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, और जो मेजर पिगमेंट है या फिर रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है फोटो एक्साइटेड होंगे, जंप करेंगे, और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसकी तरफ मूव करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ए। फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ए के पास प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन फेरेडॉक्सिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। फेरेडॉक्सिन क्या करता है, एनएडीपी पॉजिटिव को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है। इन शॉर्ट यहां पर रिडक्शन होता है, एनएडीपी पॉजिटिव से एनएडीपीएच फॉर्म होता है। यहां पर हमने देखा था कि शुरुआत फोटो सिस्टम सेकेंड से हुई थी, कि सबसे पहले जो उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर रिएक्शन सेंटर जो है फोटो एक्साइटेड हो जाता है, तो उसे दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आने की जरूरत होती है। ग्राउंड स्टेट में वो तभी आएगा जब उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसे कहां से मिलते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड को। क्योंकि अभी हमने पढ़ा थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है, तो इस तरीके से ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। इस तरीके से यहां पर ये प्रोसेस चलती है। यहां पर एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आप देख रहे होंगे कि एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है, तो यहां ये जो प्रोसेस है एक नॉन साइक्लिक है, लेकिन यहां पर फॉर्मेशन हो रही है एटीपी की, और जो प्रोसेस होती है वो होती है फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि जब एक और फॉस्फर उसके साथ जुड़ेगा तभी तो एटीपी बनेगा। तो हम इसे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रही है, एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इसे हम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो हम कह सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम वन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एनएडीपी पॉजिटिव रिड्यूस होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, जंप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फिर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम वन में जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस लाइट को रिएक्शन सेंटर जो कि मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए है उसको सेंड करते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और जंप करने लगेंगे। जंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ए, वो रिसीव करेगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ए से जाएंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहां पर जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि यहां पर एक फेरेडॉक्सिन प्रेजेंट होता है वो होता है, लेकिन इस टाइम पर एनएडीपी पॉजिटिव रिड्यूस नहीं होगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन अपनी ही जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास वापस आएगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है चलती ही रहेगी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, जंप करेंगे, जंप करने के बाद एक्सेप्टर के पास जाएंगे, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वापस से आएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के टाइम दौरान जो है एटीपी की फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। तो यह है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, साइक्लिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, और साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फॉस्फोरस ऐड होता है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एडीपी दो मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के, और यहां पर जैसे ही थ्री होते हैं एटीपी एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमी ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस, इसके अंदर सिंपली प्रोडक्शन होता है
एटीपी का, जो अभी हमने पढ़ा है अबाउट फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम वन, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा है, बस उसी चीज को अभी हम माइंड में रखेंगे और ये प्रोसेस भी वही है। अभी हमने पढ़ा कि ये जो प्रोसेस होती है ये किसके अंदर होती है, थायलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो ये एक सिंगल थायलोकॉइड मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा फ्लूइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम सेकेंड इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम वन भी इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा था कि फोटोसिस्टम सेकेंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो वो जंप करते हैं, उन्हें सबसे पहले क्विनॉन रिसीव करता है एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्विनॉन के बाद वो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू फोटो सिस्टम फर्स्ट तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम पढ़ा हमने, प्लास्टोक्विनॉन और प्लास्टोसाइनिन पढ़ा, तो वही प्रोसेस है। और हमने पढ़ा था कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसके साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, और जो फोटो सिस्टम वन है उसके पास एक फेरोडॉक्सिन प्रोटीन होता है जो कि आयरन प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है, एनएडीपी को रिड्यूस कर देता है। तो यही प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ पॉइंट और जुड़ गए हैं। इसके अंदर मेन क्या होता है कि एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रेजेंट है उसके अंदर एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वो उसे रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देंगे। रिएक्शन सेंटर में अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, जंप करते हैं, क्विनॉन एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर उन्हें एक्सेप्ट करता है, उससे वो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, वहां पर साइटोक्रोम है। यहां पर साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, लेकिन एक और चीज जो हाइड्रोजन है या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोटोन है उनके लिए भी यहां पर ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो जैसे ही हम ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा उसी के साथ साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का भी काम कर रहा है, फ्रॉम जो आउटर साइड है उससे अंदर की साइड हाइड्रोजन आयन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद हमें पता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम वन को देता है, फोटोसिस्टम वन भी क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, जंप करते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर ए इसे रिसीव करता है और जो फेरोडॉक्सिन है एनएडीपी पॉजिटिव को एनएडीपीएच में ट्रांसफर कर देता है। प्रोसेस सारी सेम है, यहाँ पर हमने एक चीज क्या पढ़ी कि हाइड्रोजन आयन्स को साइटोक्रोम क्या करेगा, बाहर से आउटर साइड से इनर साइड पर मूव कराएगा एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये काम कर ही रहा था, ये एक प्रोटोन एक्सेप्टर भी यहाँ पर काम करेगा। साथ ही साथ वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि फोटोसिस्टम सेकंड के साथ जुड़ा हुआ था उसमें हम देखेंगे जो H2 है वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयन्स में और O2 में, तो इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि साइटोक्रोम भी हाइड्रोजन आयन्स को अंदर की तरफ मूव करा रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो इनसाइड द थायलोकॉइड मेम्ब्रेन ये जो पोर्शन है ल्यूमन होता है, हाइड्रोजन आयन्स की कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या, हम देखते हैं जो थायलोकॉइड मेम्ब्रेन है उस पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक होती है इंट्रेंसिक प्रोटीन, एक होती है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन F0, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन F1 होती है। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये भी काम करते हैं। यहां पर जो F1 प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ये एटीपी सिंथेज एंजाइम का काम करता है और एटीपी सिंथेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन का ये काम करता है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इनसाइड द ल्यूमन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ये इसे बाहर की तरफ मूव कराते हैं हाइड्रोजन आयन्स को बाहर की तरफ, तो उसी टाइम पर एटीपी सिंथेज क्या करेगा, एटीपी की फॉर्मेशन करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से। तो इस तरीके से ये कीमोऑस्मेटिक सिंथेसिस चलती है, केमियोस्मेसिस, और एटीपी की प्रोडक्शन होती है। इसके लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर क्लियर है तो ये भी बहुत ही इजी है। तो हम क्या देखते हैं कि जो केमियोस्मोसिस प्रोसेस है इसको किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसके लिए जरूरत होती है एक मेम्ब्रेन की, ये है यहाँ पर थायलोकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप,
साइटोक्रोम एज अ प्रोटोन पंप काम कर रहा है, उसके बाद अब प्रोटोन ग्रेडियंट की जरूरत है और एटीपीएस एंजाइम की जरूरत है। अंदर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ग्रेडियंट जो है हम कह सकते हैं ज्यादा है, बाहर की तरफ वो मूव कराता है। इस तरीके से ये यहाँ पर प्रोसेस चलती है।